टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, दैट इज स्केलेटल मसल फंक्शंस। अच्छा, इस मेन हेडिंग के अंदर ना हमारे पास फर्दर चार हेडिंग्स आती हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स। अब जब हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको सारे मीनिंग्स भी साथ साथ बताऊंगी। एंड द सेकेंड वन इज चेंज इन मसल लेंथ विद टेंशन डेवलपमेंट, यानी टेंशन जैसे जैसे मसल अपने अंदर टेंशन डेवलप करते हैं तो उनकी लेंथ में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। थर्ड वन इज द रोल अज्यूम्ड बाय मसल, इसके अंदर हम फर्दर जो है ना उसके कुछ रोल्स को देखेंगे, मसल के अंदर क्या क्या रोल जो है प्ले कर रहा होता है। एंड द फोर्थ वन इज टू ज्वाइंट एंड मल्टी ज्वाइंट मसल्स के बारे में हम देखेंगे। तो ये चार मेन हेडिंग्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल फंक्शंस के अंदर। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इस वीडियो के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स। सो द फर्स्ट फंक्शन जो हम स्केलेटल मसल का स्टडी करेंगे वो है जी रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स। अच्छा, इसको फर्दर डिटेल में पढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहिए कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। बेसिकली रिक्रूटमेंट जो होता है ना, अगर इसके जनरल टर्म्स के अंदर सिंपल मीनिंग देखी जाए तो यानी किसी भी एक्टिविटी के अंदर कुछ फर्दर कोई न्यू कमर्स को या कोई भी न्यू एडिशन करना किसी भी एक्टिविटी में, किसी काम में, बेसिकली एडिशन करना, ठीक है। अच्छा, अब रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स का यहाँ पर क्या मतलब है, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें वो होती है जी हमारे पास एक्टिवेशन इसका मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कि बेसिकली होता क्या है रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एक्टिवेट करना फर्दर एडिशनल मोटर यूनिट्स को, ताकि जो है जो स्ट्रेंथ है मसल की, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज करके जो भी एक्टिविटीज मसल ने परफॉर्म करनी है वो अकम्प्लिश हो जाए। अच्छा, इसको सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊँ, कोई मसल ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके अंदर उसको चाहिए ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ। अब थोड़े मोटर यूनिट्स एक्टिवेट हुए हैं, अब उसको मजीद फोर्स की रिक्वायर है तो और मोटर यूनिट्स रिक्रूट करेगा वो, ठीक है। यानी ये स्टेप बाई स्टेप रिक्रूटमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, उसके अंदर मसल के अंदर फोर्स इंक्रीज हो और जितना भी उसका रिक्वायर काम है कोई भी एक्टिविटी है वो मसल परफॉर्म कर ले। बेसिकली फोर्स को इंक्रीज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है बाय रिक्रूटिंग या बेसिकली एक्टिवेशन ऑफ एडिशनल मोटर यूनिट्स, ठीक है। तो ये होती है रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट। अब एज वी ऑल नो दैट कि हमारे CNS का जो होता है ना, हमारे मोटर यूनिट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई स्टिमुलस आता है, ठीक है, उसको रिसीव करते के बाद वो सिग्नल जाते हैं ब्रेन में, ब्रेन जो है वो जनरेट करता है, वो आता है किसके थ्रू, हमारे पास न्यूरॉन्स के थ्रू, यानी बेसिकली हमारी नर्व्स के थ्रू सिग्नल आता है, ठीक है। न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर, वो आते हैं आके क्या करते हैं जी, हमारे मसल के ऊपर जो फाइबर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, और जब वो एक्टिवेट होते हैं तो फर्दर अपना जो है ना वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है। अब हमने जो है ना इन मसल फाइबर्स की काफ़ी डिस्कस किया है इनको डिटेल में, और इसके साथ साथ हमने मोटर यूनिट को भी पढ़ा हुआ है कि मोटर यूनिट क्या होता है, ये हमने बहुत डिटेल में फर्दर वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो होगा। अच्छा, अब होता क्या है मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट में, अब जब भी, अब आप लोगों को पता है हमारे पास फाइबर्स होते हैं जी, ST फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, हमारे पास फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। अब जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो इजीली एक्टिवेट कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो थ्रेशोल्ड होता है ना वो लो होता है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, यानी जितना उसको स्टिमुलस रिक्वायर है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए वो उसका है जी थ्रेशोल्ड। अब जितना ज़्यादा जब तक उसके अंदर स्टिमुलस नहीं आता, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसका थ्रेशोल्ड हाई है। तो फाइबर्स का जो होता है ना थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम होता है, यानी हल्का सा भी स्टिमुलस आता है तो वो क्या कर लेती है, एक्टिवेशन हो जाती है, एक्शन पोटेंशियल जो होता है ना वो जनरेट हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड पे फास्ट ट्विच फाइबर्स का थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है ना वो थोड़ा क्या होता है जी, हाई होता है। जब उनका थ्रेशोल्ड लेवल हाई होता है तो उनको एक्टिवेट करने के अंदर भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी, यानी हमें ज़्यादा जो है ना वो स्टिमुलस चाहिए होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर जो होता है ना फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं ना वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब जब भी कोई एक्टिविटी होनी होती है तो सबसे पहले जो फाइबर्स हमारे पास एक्टिवेट होते हैं वो होते हैं जी हमारे पास हमारे स्लो ट्विच फाइबर्स, ठीक है। ये मैं आपको रिक्रूटमेंट बता रही हूँ मोटर यूनिट्स के। अब जब भी फॉर एग्जांपल ऑन के फोर्स कॉन्ट्रैक्शन जो है, यानी फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई, यानी अब एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो स्लो ट्विच फाइबर एक्टिवेट हो गए। लेकिन आप लोगों को पता है स्लो ट्विच फाइबर्स क्या होते हैं, ये फटीग रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, जल्दी इनमें फटीग नहीं आती, और ये क्या कर रहे होते हैं, फाइन मूवमेंट्स परफॉर्म वगैरह कर रहे होते हैं, हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ग्रॉस मूवमेंट चाहिए जिसका ज़्यादा ज़्यादा पावर, ज़्यादा फोर्स रिक्वायर है, तो फिर फर्दर किन्होंने एक्टिवेट होना होता है, फास्ट ट्विच फाइबर्स ने एक्टिवेट होना होता है। अब सपोज दैट कि कोई भी एक्टिविटी हुई है जिसमें स्लो ट्विच फाइबर्स
ने सबसे पहले एक्टिवेट हो गया। अब वहाँ पे हमें क्या चाहिए, फोर्स ज़्यादा चाहिए, या वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है उसका ड्यूरेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि स्लो ट्विच फाइबर्स के अंदर जो होती है ना वो थोड़ी बहुत फटीक सेट होना लग जाती है, ठीक है। दूसरा और तीसरी चीज़ जो होती है कि स्पीड बहुत ज़्यादा रिक्वायर कर ली है अब, ठीक है, जो भी एक्टिविटी है उसके अंदर। तो इन केसेस के अंदर फिर एसटी फाइबर्स क्या करते हैं, फर्दर रिक्रूट करवाते हैं किनको, जी फास्ट ट्विच फाइबर्स। अब फास्ट ट्विच फाइबर्स के हमने काफ़ी ज़्यादा टाइप्स पढ़ी हैं, तो एसटी फाइबर्स के बाद जो रिक्रूटमेंट होती है वो टाइप 2A की होती है। टाइप 2A विच इज़ जिसको आप इसके मतलब अगर हमने डिफरेंट पढ़ी थी ना, हमने कहा था ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, तो ये हमारे पास फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक भी कह लो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं टाइप 2B, ठीक है, जिसमें फास्ट ग्लाइकोलिटिक होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो होते हैं ना, बेसिकली ये क्या है जी, ये फास्ट ट्विच फाइबर्स ही हैं, ठीक है। फास्ट ट्विच फाइबर इस तरह से जो होती है ना, हमारे पास एक्टिवेशन हो रही होती है किनकी, डिफरेंट फाइबर्स की, किसकी बेसिस पे, फोर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से, या ड्यूरेशन एक्टिविटी का ज़्यादा हो गया है, या स्पीड। अब जैसे देखो कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेट लोग उठाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायर है, तो वो तो जो क्या करेगा, एसटी फाइबर डायरेक्टली जो है ना, फर्दर जो है ना वो इनको एक्टिवेट करवाना शुरू कर देगा फास्ट ट्विच फाइबर्स को, क्योंकि वहाँ पर जो रोल होता है मेन फास्ट ट्विच का ही होता है। लेकिन सपोज कि एक्टिविटी तो लो इंटेंसिटी वाली है, इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली नहीं है, तो जो एसटी फाइबर्स अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो एक्टिविटी इतनी प्रोलॉन्ग हो गई कि एसटी फाइबर्स के अंदर क्या होना शुरू हो गया, फटीग सेट होना हो गया, तो फिर जो होता है ना वो इनकी तरफ आना शुरू हो जाता है लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ के अंदर भी। तो समझ लगी आप लोगों को बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या होता है मोटर यूनिट्स का और किस तरह से रिक्रूट कर रहे होते हैं। आप लोगों को बस इतना ही पता होना चाहिए, जनरल सी चीज़ें, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है।